सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी तक अंबर तिमड़ वड़न है, देख जहां का दृश्य आज भी अंतःस्थल हिलता है। माँ को लज्ज वसन और शिशु को न छीर मिलता है। मैं अगर आपको थोड़ा सा खोट नजर आ जाए तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल साफ सुथरे अक्षर में कक्षा 8 में पढ़ती हैं और लिख करके इन्होंने दिखाया है। आपके समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही शायद आपके दिमाग में एक ऐसी छवि बनती होगी जहाँ की बिल्डिंगें गिरती हुई नजर आ रही होंगी, बच्चे बिल्कुल गंदे कपड़े में नजर आते होंगे, सही से बोलने नहीं जानते होंगे, इंग्लिश का ई तक नहीं जानते होंगे। इसी के बीच आज बेगूसराय बीहट के एक ऐसे सरकारी स्कूल में पहुंचे हैं जिस सरकारी स्कूल को देखने के बाद शायद आपका सरकारी स्कूल के लिए नजरिया बदल जाएगा। सबसे पहले अब इस स्कूल के एक कक्षा में चलते हैं और निरीक्षण करते हैं कि यहाँ के बच्चे वाकई में जिस तरह से हमने सुना है उस तरह से के बच्चे परफॉर्मेंस देते हैं, क्या इन बच्चों में कुछ खास है या फिर नहीं। सबसे पहले अंदर आते हैं, इस क्लास को देखते हैं और यहाँ पर आप डिसिप्लिन की बात करें तो बच्चे अगर आप अंदर आते हैं तो जैसे आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलता है वैसे ही खड़े होकर आपके लिए आदर सत्कार दिखाते हैं। बाकी अगर क्लास की बात की जाए तो जिस हिसाब से इस क्लास को पेंट किया गया है, जिस हिसाब से इस क्लास का रखरखाव किया गया है, आप देख के शायद एक मिनट के लिए कन्फ्यूज हो सकते हैं कि ये वाकई में सरकारी स्कूल है या फिर किसी प्राइवेट स्कूल का एक क्लासरूम है। बाकी यहाँ बच्चे हैं, कितने बच्चे होंगे सर इस क्लास में, पूरे क्लास में? और कौन सी क्लास है सर ये? एट क्लास है, जस्ट 8A, 8A और B दोनों के इसमें सेक्शन ज्वाइंट करा गया। अच्छा, है ज्वाइंट करके पढ़ाया जा रहा है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सर? फिलहाल हिंदी चल रही थी। हिंदी चल रही थी। बाकी अगर हिंदी में बात की जाए, बैठ जाइए आप लोग, बाकी अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में कविता बहुत ज्यादा प्रचलित है और इस स्कूल के कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्हें अगर उठा करके कविता बुलवाया जाए कहने को तो सभी छात्र भी बहुत प्रतिभाशाली हैं। बाकी अगर कुछ छात्रों को उठा करके अगर बुलवाया जाए तो ऐसे कविता बोल देते हैं शायद आप उनके दीवाने हो जाएंगे। तो बच्चों आप लोगों में से कौन लोग कविता सुनाना चाहेंगे हमें? चलिए सबसे पहले इनके पास आते हैं, करीब आ जाइए। क्या नाम है आपका? शुभांगी। अपना परिचय दीजिए लोगों को। हाँ रुकेंगे। प्लेट सावधान, विश्राम सावधान, स्वागत करने के लिए पोजीशन स्टार्ट। वाह, बैठ जाइए दो मिनट। इन बच्चों के स्वागत करने का जो तरीका है शायद आपको बहुत ज्यादा अनोखा लग रहा होगा, लेकिन ये बच्चे कोई अगर कक्षा में आता है तो उनका इसी तरह से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। बाकी अब आप बताइए इसके बारे में, ये स्वागत ताली आपको किसने सिखाया आप लोगों को? ये हमारे स्कूल की परंपरा में शामिल है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे हम 3 क्लास से पढ़े तो जब से हम आए हैं तब से ये परंपरा लागू होते जा रही है। अच्छा, मतलब जैसे स्कूल का रूल रेगुलेशन होता है वैसे ही आपके स्कूल के रूल रेगुलेशन में चलता आ रहा है? जी। कोई भी आता है तो इसी तरह से उनका वेलकम होता है। जी। चलिए अब कविता की ओर बढ़ते हैं, करीब आ जाइए और एक चीज बताइए कौन सी कविता सुनाएंगे आप? जैसा कि आपको पता है सिमरिया जो है वो दिनकर की धरती रही है, तो हम उन्हीं की रचना सुनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, सुनाइए। मैं शुभांगी वर्ग अष्टम राजकीय कृत मध्य विद्यालय बीहट की छात्रा, आज मैं आप लोगों के बीच राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है समर शेष है। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस काकस खोलो, ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस काकस खोलो, किसने कहा युद्ध की बेला चली गई, शांति से बोलो, किसने कहा और मत वेधो हृदय वहनी के सर से, भरो भुवन के अंग कुंकुम से, कुसुम से, केसर से कुंकुम, लेपो किसे सुनाओ किसको कोमल गान, तड़प रहा आँखों के आगे भूखा हिंदुस्तान, फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मतवाले, सकल देश में हालाहल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी शेष भारत में अंधियाला है, मखमल के पर्दों के बाहर फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट सा संसार, वह संसार जहां पर पहुंची अब तक नहीं किरण है, जहां क्षितिज है शून्य अभी तक अंबर तिमड़ वड़न है, देख जहां का दृश्य आज भी अंतःस्थल हिलता है, माँ को लज्ज वसन और शिशु को न छीर मिलता है, पूज रहा है जहां चकित हो जन जन देख आकाश,
सात वर्ष हो गए राह में, सात वर्ष हो गए राह में, अटका कहाँ स्वराज, अटका कहाँ स्वराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है। सबके भाग्य छिपा रखे हैं किसने अपने कमरे में, उतरी थी जो विभा हुई बंदिनी बता किस घर में। समर शेष है, समर शेष है यह प्रकाश, बंदी गृह से छूटेगा और नहीं तो तुझ पर पापिनी महावज्र टूटेगा। समर शेष है उस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गजजो अड़े हुए हैं। कह दो झुके, कह दो झुके अगर तो जग में यस पाएंगे, अड़े रहे तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। समर से सहजन गंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बहजाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, गांधी कापी रुधर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है, वृक को दंतहीन अहि को निर्विश करना बाकी है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध, समय लिखेगा उनके भी अपराध। धन्यवाद। वाह वाह वाह, ये सरकारी स्कूल की बच्ची है, शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोचिंग वगैरह भी लेती हैं इसके लिए? कहीं भी? वाकई में? सच में। इसी स्कूल में पढ़ती आ रही, कब से पढ़ रही है इस स्कूल में? थ्री से पढ़ रही हूँ, पिछले पाँच साल। मतलब पिछले पाँच साल से यहीं पढ़ रही है, बाहर कहीं भी कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं लेती? नहीं। तो ये कविता आपको किसने सिखाई है? ये कविता रंजन सर जो हमारे प्रधानाध्यापक है उन्हीं के द्वारा गाइड किया गया। अच्छा, तो आप लोगों को गाइड किया जाता है, हर बच्चे को गाइड किया जाता है? हाँ। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते, एक बच्ची और है जिनके पास चलते हैं, अपने बारे में बताइए और कुछ सुनाइए। सादर प्रणाम, मैं शेफाली वर्ग अष्टम ए राजकीय किट मध्य विद्यालय बिहट बरौनी बेगूसराय बिहार की छात्रा। रामधारी सिंह की जन्मभूमि है ये, तो उन्हीं की एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसका शीर्षक है कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिन में चिंगारी, चर गए जो पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जला कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल सिखाए, उगल रही सो लपट दिशाए, जिनके शिंघनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, अंधा चका चौंध का मारा, अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उसकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। और सबसे बड़ी चीज मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, इधर आइए, जरा करीब आइए। ये सरकारी स्कूल की एक बच्ची है, इनके हैंडराइटिंग को जरा देखिए, शायद प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले कुछ बच्चों को भी शर्म आ जाए इस हैंडराइटिंग को देखने के बाद। इनकी हैंडराइटिंग में अगर आपको थोड़ा सा खोट नजर आ जाए तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल साफ सुथरे अक्षर में कक्षा आठ में पढ़ती हैं और लिख करके इन्होंने दिखाया है। यह आपकी हैंडराइटिंग है? हाँ। यहाँ पर जो कुछ भी आप कर रही हैं, आगे फ्यूचर में आपने क्या सोचा है, क्या बनना है फ्यूचर में? आईएएस। आईएएस बनना है? हाँ। सरकारी स्कूल में पढ़ के आईएएस बन जाएंगी लगता है मुझे? मेरी थिंकिंग तो यही है कि सरकारी स्कूल में बैठे बैठे आईएएस बना जा सकता है। ऐसा सरकारी स्कूल मिले तो? हाँ, ऐसा सरकारी स्कूल मिले तो, ऐसा माहौल मिले तो। हाँ। ये बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन शायद इन्हें गर्व है कि ये एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ की व्यवस्था जो है, यहाँ की विधि व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है, यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे हैं। इन बच्चों को सिर्फ जहाँ पर एक तरफ खाना पूर्ति की जाती है बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में, वहाँ पर इन बच्चों को ऐसे शिक्षक मिले हैं जो इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, साथ ही साथ इन्हें उन चीज़ों के लिए भी तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में इनको एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, एक शिखर पर ले जा सकते हैं। बाकी इस सरकारी स्कूल के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूले। मेरा नाम है प्रतीक परमार, आप देख रहे हैं सतर्क बिहार। जय हिंद।